ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 कटका सुल्तानपुर से कुछ खास न्यूज। नारायण पब्लिक स्कूल कटका के प्रबंधक ने कोरोना महामारी कोविड 19 के इस दौर में लॉकडाउन से परेशान अभिभावकों की आर्थिक तंगी को देखते हुए 3 माह की फीस अप्रैल मई जून माफ कर दी है। इससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं स्कूल की ओर से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। शिक्षा क्षेत्र नारायण पब्लिक स्कूल की ओर से 3 माह की फीस माफ कर बड़ी राहत दी है। अभिभावकों ने स्कूल के इस सराहनीय काम के लिए आभार व्यक्त किया है। वहीं स्कूल के प्रबंधक संतोष सिंह ने बताया कि स्कूल की तरफ से आर्थिक राहत देने के लिए फीस माफ की गई है। स्कूल के विद्यार्थियों को ऑनलाइन की एक क्लास भी चल रही है, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित ना हो सके। स्कूल प्रबंधक संतोष सिंह सरकार से मांग की कि प्राइमरी के अध्यापकों को सरकार तो वेतन दे ही रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को कोरोना महामारी के बदहाली के दौर से गुजरना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में इस समय लगभग 4 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी तरफ से ध्यान देना चाहिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सही हो सके। प्राइम न्यूज 24 के लिए मंडल ब्यूरो अयोध्या आरपी शुक्ला के साथ विजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपके विद्यालय का? नारायण पब्लिक स्कूल जूनियर। जैसे महामारी कोरोना चल रही है, इस पर जहाँ तक देखा जाए लोगों का और अभिभावकों का ये सवाल रहा है कि इस पर बच्चों की फीस माफ़ कर दी जाए, इस पर आपके विद्यालय द्वारा क्या किया? हमने